क्यों पिल्लम भट्ट, कहाँ जा रहे हो या नए कीर्तन की तैयारी कर रहे हो? अरे तैयारी कैसी, अभिषेक था महादेव को। फिर हो गया ना? मुंह क्यों लटका हुआ है, दक्षिणा नहीं मिले है क्या? वो तो मिल जाती, लेकिन अभिषेक होता तो। मतलब अभिषेक हुआ ही नहीं? राव साहब का पागल बेटा पुंडलिक जिस गांव में हो वहां कोई अच्छा काम हो सकता है भला? अब क्या किया पुंडलिक ने? अब क्या बताऊं, रुद्राभिषेक के लिए दही दूध से भरे हुए मटके लाया था मैं, लेकिन वो नालायक अपने दोस्त लेकर आया और उन्होंने सब खत्म कर दिया। क्या कह रहे हो? ये सब तो ज्यादा ही हो रहा है उसका। परसों सोपान के खेत में बैल छोड़ दिए। अरे ये तो रोज का ही है। लोहदिंडी के गाँव वालों को इस पुंडलिक ने बहुत सताया है, बिल्कुल बिगड़ गया है ये। लेकिन ये सब आपको लगता है, उसके बाप के समझ में नहीं आता ना? हाँ? अरे उन्होंने उसे अपनी ढलती उम्र में पैदा किया और वो भी बड़ी प्रार्थनाओं के बाद। जन्म लिया वो मुंह में सोने का चम्मच लेके ही। इतने धनवान की मानो घर में लक्ष्मी पानी भर रही है। अरे ऐसे घर के लड़के का बिगड़ना तो बनता ही है। अरे जो आपने कहा वो सच है, लेकिन उसकी तकलीफ गाँव वालों को क्यों? राव साहेब का रौब और उनकी उम्र देख के उनको कोई कुछ बोलता ही नहीं है। पर ये कब तक चलेगा? किसी को तो ये उन्हें बताना होगा। किसी को क्यों, किसी को क्यों, चलिए हम ही जाके उन्हें बताते हैं। चलिए। ऐसा कहते हो? चलो चलो चलिए। ठीक है, तुम्हारी समस्या मेरे ध्यान में आई है। हमारे पुंडलिक की शरारतों की वजह से जिनका नुकसान हुआ है वो सब हम चुका देंगे। अजी सुनते हो? क्या हुआ? देखो हमारी दुग्धशाला से इन्हें जो भी चाहिए वो देने की व्यवस्था करो। हाँ बताती हूँ वैसा। चलिए निकलते हैं, नाराज मत होइए। नाराजगी कैसी है? उल्टा तुम्हारे बताने से हमें हमारे पुंडलिक की शरारतें तो मालूम हो गई। ठीक है चलिए। अब क्या करे इस पुंडलिक का, कितनी मस्ती करता है, उसका बचपना खत्म कब होगा? हर रोज कोई ना कोई शिकायत करता है। हंस क्या रहे हो आप, इसके बारे में हमें कुछ करना चाहिए ना? करना तो पड़ेगा, लेकिन मैं जो हंस रहा हूं वो बात अलग है। वैसे देखा तो बचपन में हम भी ऐसे ही शरारती थे। अजी अपना एक ही तो बेटा है, ऐसे वो बिगड़ जाएगा। ऐसा क्यों कहती हो? ऐसे कैसे बिगड़ जाएगा, हमारा बेटा है वो।
हमने उस पे इतने अच्छे संस्कार किए हैं, फूल जैसे संभाला है उसे यूं ही। अब तो इस बुढ़ापे में वही तो हमारा सहारा। मां, पिताजी, मां, मुझे बहुत भूख लगी है। क्यों, मंदिर का दही दूध का प्रसाद कम पड़ गया शायद, पेट नहीं भरा? लगता है तुम्हें भी पता चल गया। लेकिन माँ तुम ही बताओ, महादेव की पिंडी पे दही दूध चढ़ाने से अच्छा वो गरीबों के पेट में जाए, इसलिए मैंने दोस्तों में बांटा। क्या गलत किया मैंने? देखो, मैंने कहा था ना, लेकिन बेटा पुंडलिक, दूसरों को तकलीफ हो ऐसा नहीं करते। हमारे पास क्या नहीं है बताओ ना। देखो, तुम अब बड़े हो गए हो। अरे हम ब्राह्मण, हमें ब्रह्मकर्म करने चाहिए। ऐसी शरारतें तुम्हें शोभा नहीं देती। हमारा क्या, बूढ़े हो गए, इसलिए सोचता हूं कि घर बार, खेती बाड़ी, व्यवसाय, ये सब अब तुम्हें संभालना होगा। लेकिन मुझे इसमें रस नहीं पिताजी। मेरा मन जो कहता है मैं वैसा ही करूंगा। अब क्या करेंगे जी, देखो तो कैसे बात करता है। सच है, मेरे ख्याल से उसके दिमाग में अब गृहस्थी की बात डालनी चाहिए। ये कैसे होगा? अरे शादी कर देते हैं उसकी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं भी अपने बहू का मुंह देखने के लिए उत्सुक हूँ। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं तैयारी। पर लड़की। अरे लड़कियों की क्या कमी है उसके लिए, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम सिर्फ तुम्हारे बेटे को तैयार करो, लड़की हम ढूंढते हैं। अच्छा सच में? पुंडलिक, अरे बेटा चलो खाना खाने, उसे भूख लगी होगी ना। क्यों लड़के की माँ, जो चाहिए था हो गया, अब तुम सासू माँ बन गई हो। बहू के रूप में बेटी ही आई है घर में, अपने बेटी को कोई पीड़ा देता है क्या? अपने पुंडलिक का भाग्य इसलिए उसे इतनी सुंदर और संस्कारी पत्नी मिली। मतलब हम कम भाग्यवान थे क्या? क्या बोल रहे हो आप, अभी तक सब लोग है घर में। हाँ हाँ, कुछ भी कहो, भगवान की कृपा से बहुत बड़ी जिम्मेदारी से हम मुक्त हो गए। पिताजी। अरे आओ बेटा आओ। प्रणाम करता हूं। आयुष्मान भव। तुम अब इस घर की लक्ष्मी हो, ये धन संपदा अब तुम संभालोगी। हाँ, और मैं भी अब खेती बाड़ी के सब काम पुंडलिक को सौंपने वाला हूँ। पिताजी, माँ, ये आप क्या बोल रहे हो? बेटा पुंडलिक, अरे अब तुमने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया है तो अब तो ये सब तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब हम वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करेंगे, इसलिए घर बार, खेती बाड़ी, व्यवसाय, ये सब अब तुम्हें संभालना होगा। पर बहू का मत लेकर। क्यूरी। सुनिए, बच्चे थक गए होंगे, जाओ बेटा आराम करो। आओ, कैसे लक्ष्मी नारायण जैसे दिख रहे हैं दोनों। हाँ, अब ये दोनों अच्छे से गृहस्थी करें तो बस, और क्या चाहिए। सच है। और हाँ, और एक बात, अब पुंडलिक की देखभाल के लिए उसका अपना कोई आया है तो तुम अब उस जिम्मेदारी से मुक्त हो। क्यों? नहीं नहीं, अरे उस बेचारी को अभी तक कुछ पता भी नहीं है। उसे थोड़ा समझने तो दो,
इसका मतलब मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है? वो कैसे? चलिए चलिए, मैं खाना परोसती हूँ, आप मेहमानों का ध्यान रखिए। क्या पीलम भट्ट, गए सप्ताह दिखे नहीं। हाँ, अरे आपको बताना भूल गया, तीर्थाटन के लिए गया था, रुद्रकेश्वर के दर्शन लेके आया। हाँ, और गया ही था तो बाकी जगह भी होके आया। अच्छा, मतलब राव साहब ने दी हुई विदागी पूरी खर्च कराए। हाँ, पर कुछ भी कहिए, राव साहब ने पुंडलिक का विवाह बड़े धूमधाम से किया। हाँ। उस कार्य में कोई भी कमी नहीं रखी उन्होंने। हाँ? और कमी कैसे होगी, उनके घर का एकमेव और अंतिम कार्य जो था, पूरे गांव को खाना खिलाया, सब खुश थे। नहीं नहीं, मुझे खुशी तो एक ही बात की है। वो क्या? इस पुंडलिक की अभी शादी हो गई तो उसकी सब शरारतें अब बंद हो जाएगी। ये बिल्कुल सच है। पिछले 10 दिन से उसका मुंह तक नहीं देखा हमने, उसे सूर्य दर्शन भी नहीं मिला होगा। करने बंद। बिल्कुल सही। विवाह मतलब कैद होती है, ये पुंडलिक के बारे में बिल्कुल सच निकला है। अरे कैद कैसी, कुत्ते की दुम है वो, नली के बाहर निकाली तभी टेढ़ी की टेढ़ी रह जाएगी। ये नली निकलने वाली नहीं। हाँ, एक बार आदमी गृहस्थी में फंस गया तो उसका बचपन खत्म, गृहस्थी का बोझा उसके सर पे आ गया। हाँ, तो सारी शरारतें करने के लिए उसको समय ही नहीं मिलेगा। हाँ। और एक बात सुनो, ये सब पीलम भट्ट स्वानुभव से कह रहे हैं। हमें देखकर इतना शर्मा क्यों रही हो, हमारी नजर तो नहीं लगेगी ना? नहीं, ऐसा क्यों पूछ रहे हो आप? तो ये साज श्रृंगार किसके लिए है? चलो जाओ। किस लिए मतलब क्या, ये कोई सवाल हुआ? हमारे लिए ही ना, तो एक बार हमें ठीक से देख तो लेने दो। आपके इस सौंदर्य से हम घायल हो गए, इससे नजर हटाने का मन ही नहीं करता। ऐसे बोलोगे तो कैसे चलेगा, खेतीबाड़ी के काम कौन करेगा? वो होते रहेंगे, लेकिन स्त्री के सौंदर्य में इतनी मोहिनी होती है, ये हम पहली बार देख रहे हैं। लेकिन इसके आगे फूल जैसे इन नाजुक हाथों को कोई कष्ट नहीं देना, ये पैर जमीन पर नहीं पड़ने चाहिए, बाहर कदम भी मत रखना, ये सतेज कांति ऐसी ही रहनी चाहिए। ऐसे कैसे होगा, घर के काम तो करने पड़ेंगे ना? वो मैं कर लूंगा, लेकिन तुम्हें कष्ट नहीं होगा। सच में इतना प्रेम करते हो मुझसे? प्राण से भी ज्यादा। अरे क्या सोच रही हो, अरे बहू घर में आ गई फिर भी तुम्हारे चेहरे की उदासी वैसे ही है। बहू की वजह से ही चिंता हो रही है। बहू की वजह से चिंता, वो कैसी?
अरे विवाह हो के इतने दिन हो गए, लेकिन ये पुंडलिक अपने पत्नी का पल्लू ही नहीं छोड़ रहा। क्या? हमेशा उसके पीछे पीछे करता है। तो उसमें चिंता करने की कौन सी बात है, है? अरे नई नई शादी है, एक दूसरे को समझने में इतना वक्त तो लगेगा ही, है? अब उसमें चिंता करने की कौन सी बात है। औरत जो देख पाती है ना, वो पुरुषों की नजर को कभी दिखाई नहीं देगा। क्या जादू किया है इस लड़की ने, क्या पता। शादी के बाद ये लड़का घर के बाहर ही नहीं निकल रहा। तुम औरतें भी हमेशा किसी ना किसी बारे में सोचती रहती। नहीं ऐसा है, वो बाहर जाके लोगों को परेशान करता है, ये तुम्हारी समस्या थी। अब वो घर से बाहर नहीं जाता, ये भी तुम्हारी समस्या है। अजीब, ये कोई शिकायत नहीं है फिर? पर हमेशा ऐसे बीवी के पीछे पीछे करना अच्छा नहीं दिखता। अब इसे थोड़ी काम की जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए ना। काम करने पर ही सारी गृहस्थी चलती है ना। नहीं, तुम जो कह रही हो वो बात सही है, लेकिन मुझे बताओ ये समझने इतना वो बड़ा कहाँ हुआ है। अरे अभी अभी तो उसके ऊपर हमने जिम्मेदारी डाली है, उसे निभाने के लिए उसे थोड़ा तो समय देना होगा ना, है? अब आप उसे समझाएंगे या उसकी ही तरफदारी करेंगे? छोड़ो, आखिर बहू आने के बाद भी घर का सब काम मैं ही कर रही हूं। अरे लेकिन, अरे अरे सुनो, सासुमा क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है आपकी? सच है बहू, ठीक नहीं हूं मैं। कैसे ठीक रहूंगी, मेरा बेटा पुंडलिक घर के औरतों के सारे काम करता हुआ देखकर मैं कैसे शांत रहूंगी? अरे जिसे मैंने इतने लाड़ प्यार से बड़ा किया, वो मेरा पुंडलिक घर के बर्तन मांजता हुआ, साफ सफाई करता हुआ देख मैं कैसे ठीक रह पाऊंगी? मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि ये सब घर के काम मैं इनसे करवा रही हूँ? तुमने क्या बताया वो मुझे पता नहीं, पर ये काम मत कीजिए, ऐसे तो तुमने उसे नहीं कहा। अरे घर के स्त्री ने अगर पुरुष का आदर नहीं किया तो समाज कैसे करेगा? अगर कल ये सब लोगों ने देखा तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? ये सब आप मुझसे क्यों कह रही हो, अपने लाडले बेटे को जाकर कहिए। तुम्हें बता रही हूँ क्योंकि वो तुम्हारी सुनता है, उसके कान भरने से अच्छा है उसे चार अच्छी बातें बताओ। सासू माँ ये क्या बोल रही हैं आप, मैं क्यों इनके कान भरूंगी? सच बताऊं आपसे हमारा सुख नहीं देखा जा रहा। क्या
क्या कहा तुमने? मुझसे तुम्हारा सुख देखा नहीं जा रहा? हाँ, ऐसा ही कहा मैंने, आपसे हमारा सुख देखा नहीं जा रहा। भगवान से इतनी प्रार्थनाएं करके मुझे मिला हुआ मेरा बेटा मुझसे देखा नहीं जा रहा। मैं काम करवा रही हूँ इनसे? काम करवा रही हूँ मैं इनसे? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं रहना, मेरी जल्द से जल्द मायके भिजवाने की तैयारी करो। अरे लेकिन क्यों, तुम्हें इस घर में कुछ कमी है क्या? मेरे मायके में कुछ कमी थी इसलिए नहीं मैं यहाँ आई हूँ। अरे अरे पर मुझे कुछ बताओगी भी कि क्या हुआ? वो आपके उस बुढ़िया को पूछो, हमेशा मेरा अपमान करती रहती है, जो मन में आए वो बोलती रहती है। कौन बूढ़ी? मेरे माँ के बारे में बोल रही हो तुम? हाँ, मैं उसी बुढ़िया की बात कर रही हूँ। मुझे वो जो मन में आए वो बोलती रहती है, मुझे कहती है मैं सब काम आपसे करवाती हूँ। ये जो हमारे बीच में प्रेम है ना, यही उनसे देखा नहीं जाता। और इस घर में मेरा अपमान सुनने के लिए, मैं इस घर की दासी नहीं हूँ। मेरी माँ ने तुम्हें ऐसा कहा? हाँ, की बुढ़िया ने मुझे ऐसा कहा है। उसे कुछ भी नहीं देखा जाता। उसने तुमसे ऐसे कहा? आप मेरे मायके जाने की जल्द से जल्द तैयारी करो, मुझे वो कुछ भी बोलती रहती है ये आप उनसे बोलो। वो मेरी माँ होने के बावजूद मैं ये सहन नहीं करूँगा, तुम्हें कोई कुछ बोले ये मैं सहन नहीं करूँगा, देख लेता हूँ मैं भी। मेरे बीवी को बोलती हो, उसे डांटती हो, कुछ भी कहती रहती हो, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? बरदार बुढ़िया, फिर से मेरी बीवी को कुछ कहा ना तो लात मार के भगा दूंगा तुम्हें। पुंडलिक, किसे बुढ़िया कहते हो? अपनी माँ को, जिसने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारे लिए सारी जिंदगी खर्च कर दी, तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं की, तुम्हारी अच्छे से परवरिश की, उस माँ को बुढ़िया बोल रहे हो? इतने बिगड़ गए हो तुम। लेकिन एक बात याद रखना, मैं अब तक जिंदा हूं। मुंह बनकर बूढ़े, नहीं तो तुम्हें भी लात मार के भगा दूंगा। पुंडलिक, जन्म देने वाले पिता को तुम बूढ़ा कहते हो, उसे लात मारना चाहते हो, इतनी शक्ति है तुम्हारे पाँव में? अरे आप मत बोलिए, मेरी ताकत देखनी है तुम्हें? आप शांत रहिए, मेरी ताकत देखनी है तुम्हें? नहीं, छोड़ो, छोड़ो उन्हें, पुंडलिक भजी। पुंडलिक, प्रत्यक्ष पिता को लात मारते हो तुम, अरे नरक में जाओगे तुम, परमेश्वर देख रहा है सब, नरक में जाओगे। बुढ़िया, चुप बैठ, चुप बैठ। पुंडलिक, पुंडलिक, हाजी, आखिर अपना ही तो बेटा है ना, हम उसे बचपन में गोद में उठाते थे तब लात मारता था, तब हम उस पर कहां गुस्सा होते थे। सत्या भाई, ये तुम नहीं, माँ की ममता बोल रही है,
अरे बेटे की कितनी गलतियां छुपाने वाली हो तुम। अब सब कुछ खत्म हो गया है, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया सब कुछ। हमारा ही सिक्का झूठा निकला। दांतों ने अगर जीभ को काटा तो हम दांत तो नहीं गिरा देते ना अजी। अरे आखिर अपना ही बेटा है ना वो, भूल हो गई उससे, थोड़ा गुस्सा हो गया है वो, पर हमें ही उससे बड़ा होने के नाते क्षमा करनी चाहिए ना, सच है ना? माँ की ममता की सीमा नहीं होती, यही बात सच है। अब इनको कैसे और कितनी बार क्षमा करे, कैसे? हमारा अपना बेटा दुश्मन जैसे बर्ताव कर रहा है और उसे माफ करने को कह रही हो। सत्या भाई ये कपड़े लो और रास्ता नापो, इस घर में तुम्हें कोई जगह नहीं है, याद रखना अगर फिर से यहां दिखे तो। कहां जा रहे हो? अरे अरे अब क्या बचा है यहां? रुकिए, मुझे छोड़ के मत जाइए। चलिए सत्या भाई चलिए, अब कोई आने वाला नहीं है तुम्हें विदा करने, चलिए। टूटले घर कुल टूटली नाती, उधळला संसार, प्रेमालाही ग्रहण लागले, उरला अंधकार। टूटले घर कुल टूटली नाती, उधळला संसार, प्रेमालाही ग्रहण लागले, उरला अंधकार। तुटले घर कुल तुटली नाती, उधळला संसार, प्रेमालाही ग्रहण लागले, उरला अंधकार, उरला अंधकार, उरला अंधकार। विश्वेश्वरा, अब तुम्हारे ही हाथ में है सब कुछ,
अब मैं तुम्हें देख नहीं सकती। जब अंधेरा होता है तब तुम ही हमें मार्ग दिखाते हो भगवान। अब मेरी एक ही आखिरी इच्छा है, मरने से पहले मुझे एक बार मेरे पुंडलिक से मिलवा दो भगवान। वो जहां भी रहे उसे सुखी रखना भगवान। सत्या भाई, अरे दिन में 3 बार यही तो मांगा तुमने। बेटे ने तुम्हें क्या सुख दिया है कि तुम भगवान से उसके भले की मांग कर रही हो? देने जैसा हमारे पास कुछ भी नहीं है, पर उसे आशीर्वाद तो दे सकते हैं ना। ये तुमने सच कहा। अरे अरे, उसने तो हमें पूरा भिखारी बना दिया, और एक भिखारी और क्या दे सकता है। दे दो, तुम्हारी ममता में मैं बाधा नहीं डालूंगा, नहीं डालूंगा। तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती, बहुत तकलीफ होती है तुम्हें देखकर, बहुत तकलीफ। आप इतना क्यों दुखी हो रहे हो? मैं आपके साथ संतुष्ट हूं। सिर्फ एक ही इच्छा है अब, विश्वेश्वर आपसे पहले मुझे अपने पास बुलाए। ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते। मैं किसके लिए जीऊंगा फिर, किसके लिए? अजी, अपने बेटे की चिंता करने के लिए कोई तो पीछे रहना चाहिए ना। हाँ, बस बस हो गया अब। चल चलो उठो। संभाल के चलो, धीरे धीरे। हाँ हाँ। अरे कहाँ हो तुम? उई माँ। ये लो। अजी, कितनी चिंता करते हो आप मेरी। सब कुछ आप ही को करना पड़ता है, नहीं? मैं क्या बोलती हूँ, आज 4 महीने तो हो गए होंगे ना। किस चीज को? आपके बुढ़ा बुढ़ी घर छोड़ के गए हैं वो। तुम क्यों दिन गिन रही हो? वैसे नहीं, ऐसे ही पूछा मैंने। पर क्यों जी, अब कहाँ होंगे वो? अब हमें क्या करना है, गए होंगे कहीं। नहीं, बुढ़िया होती तो अच्छा होता ना। क्या? अब मेरी इस अवस्था में घर का काम करने के लिए कोई होता तो अच्छा होता ना, और वो बुढ़ा घर की तरफ ध्यान देता ना। नहीं, तुम सच कह रही हो, और पैसे भी बच जाते। हाँ सही है, पैसों का क्या, उन्हें एक रोटी का टुकड़ा दे देते तो काफी होता। मैं क्या कहती हूँ, आप जाकर ढूंढिए उन्हें। अरे अब 4 महीने हो गए, कहाँ गए होंगे, हमें कैसे पता चलेगा? वो कुछ नहीं, आप ढूंढो, वो मिल जाएंगे। अरे लेकिन, अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो कल ही जाता हूँ।
आसानी से मिल गए तो देखता हूं। आसानी से नहीं, आप उन्हें ढूंढिए और घर लेके आइए, मुफ्त में काम हो जाएंगे हमारे। राम राम मंडली। राम 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 राम, 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 राम। क्यों जी, कौन सा गांव आपका? लोदंड मेरा गांव। मेरे माँ बाबा को ढूंढ रहा हूँ, यात्रा के लिए गए थे। आपने कहीं देखा है उन्हें? यहाँ से तो कई सारे लोग आते जाते रहते हैं, हमें कैसे मालूम? नहीं, मेरे माँ बाबा बूढ़े हैं, 4-5 महीने पहले की बात है। मतलब बूढ़े है? हाँ। लोहदंड से ना? हाँ हाँ। एक बुढ़ा बुढ़ी इधर मंदिर में रहते थे। बुढ़ा गांव में भीख मांगता था और बूढ़ी पका के खिलाती थी, वही तो नहीं थे? हाँ वही होंगे। हाँ, काशी की तरफ निकल गए, पर मुझे नहीं लगता आप तक जिंदा होंगे, वो बहुत थक गए थे। अरे ऐसा मत कहिए। कितने नसीब वाले हैं बूढ़ा बूढ़ी। हाँ आ? उनका बेटा उनके याद में कितना दुखी है देखो। जाओ जाओ बाबा, अगर तुम नसीब वाले हो तो वो तुम्हें मिलेंगे ही। जाओ बाबा जाओ। हाँ, हाँ। राम 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 राम, 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 राम। देवियों, आप कौन हो? अभी आपने यहाँ पर स्वच्छता का काम किया और अंदर जाकर बाहर आई तो इतनी तेजस्वी कैसे हो गई? बस, हम तीनों मतलब गंगा,
जमुना और सरस्वती नदियाँ हैं। माताओं, पूरे जगत को पावन करने वाली आप यहाँ पर ऐसे हल्के काम क्यों कर रहे हो? हर रोज हजारों पापी अपने पाप हमारे जल में धोते हैं, इसलिए हम मलिन हो जाते हैं। ये कुक्कुट स्वामी और उनके सामर्थ्य से हम तेजस्वी और पवित्र हो जाते हैं। ये कुक्कुट स्वामी है कौन? ऐसी कौन सी साधना की है उन्होंने? उनकी साधना इतनी पुण्यशील है कि भगवान भी उनके अधीन है। केवल उनके दर्शन से ही हम पवित्र हो जाते हैं। अच्छा, तो मैं भी उनका दर्शन लेता हूँ। अवश्य लो, तुम यही रुको। स्वामी, कल्याणमस्तु। कौन है आप? स्वामी, मैं पुंडलिक। आपके दर्शन की महती सुनी, वाराणसी जा रहा हूं, रास्ता भूल गया हूं। आप मुझे योग्य मार्गदर्शन करेंगे? मुझे किसी भी तीर्थ क्षेत्र की जानकारी नहीं। मैंने कोई साधना नहीं की है, मैंने कभी ध्यान धारणा नहीं की है। मैं आपको क्या मार्ग दिखाऊं? स्वामी, आपको ऐसी कौन सी सिद्धि प्राप्त है जिससे नदियां पवित्र हो जाती है? वो मुझे पता नहीं पुंडलिक। मैं अपने माता पिता की, शिव पार्वती समझ के सेवा करता हूँ, दिन रात सेवा करता हूँ। मैं उनकी वृद्ध वेदना कम करने का प्रयास करता हूँ, यही मेरी सेवा साधना है। ऐसी मेरी श्रद्धा है कि माता पिता की सेवा यही पुण्य कर्म है। माँ को किया हुआ एक प्रणाम ये 3 पृथ्वी प्रदक्षिणा या 2 लक्ष काशी प्रदक्षिणा के समान है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, ऐसा हमारे वेदों में कहा गया है। जो माता पिता की निंदा करता है, उन्हें पीड़ा देता है, उसे हर जन्म व्याधि सहनी पड़ती है, वो नरक में जाता है। उसे किसी भी क्षेत्र में यश प्राप्त नहीं होता, उसे अल्पायुष मिलता है। बेटा पुंडलिक, तुम्हें क्या दुख है? यह सब पातक मैंने किए हैं स्वामी। मैं पापी हूं, दुराचारी हूं। मेरी मति भ्रष्ट हो गई है स्वामी। मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी स्वामी। मैंने मेरे माता पिता को बहुत दुख दिया है। मुझे प्रायश्चित बताइए स्वामी, मुझे प्रायश्चित बताइए। बेटा, बेटा पुंडलिक, माता पिता का हृदय सप्तसागर से भी बड़ा होता है। उनकी क्षमा मांगो, उनकी सेवा करो, प्रत्यक्ष परमेश्वर तुम्हें दर्शन देगा। जाओ जाओ, मेरा आशीर्वाद है स्वामी। Bye.
पुंडलिक, पुंडलिक बेटा, क्या हुआ सत्या भाई? सत्या भाई, अरे ऐसे क्या करती हो? कोई पुंडलिक कोई नहीं है यहाँ पे। हाजी हाजी, ऐसे कैसे? अभी तो उसने मुझे पुकारा, मेरे बेटे। सत्या भाई, तुम सो जाओ, वो भूल गया है, अबे भूल गया है वो। नहीं, अरे नहीं नहीं, वो क्यों आएगा यहाँ पे? नहीं, तुम सो जाओ, सो जाओ पुंडलिक, सो जाओ। बेटा तुम्हें किस बात का इतना दुख है बेटा? अरे बेटा, हम ही दुखी लाचार है, तुम्हारी क्या मदद करेंगे? दुखी ही वेदना समझ सकता है। अरे हमारे जैसा ही कोई होगा दुखी बेचारा? सुनो बाबा, कोई किसी का नहीं होता रे, कोई किसी का नहीं होता बाबा, कोई नहीं होता। बोलो बेटा बोलो। पुंडलिक पुंडलिक, मेरा पुंडलिक जी, हाजी हमारा बेटा। अरे पुंडलिक, सत्या भाई, पुंडलिक, अरे पुंडलिक नहीं है ये। अरे तुम्हें वहम हो रहा है, तुम्हें वहम हो रहा है। ऐसा मत कहिए बाबा, मैं आपका पुंडलिक ही हूँ, ऐसा मत कहो बाबा। माँ माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम दोनों को घर ले जाने आया हूँ। पुंडलिक, अब क्या बचा है पुंडलिक? नहीं नहीं, क्या बचा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए बाबा। मुझे अब पश्चाताप हुआ है, मैं तुम दोनों को घर ले जाने के लिए आया हूँ, मुझे प्रायश्चित करने दो, मुझे प्रायश्चित करने दो बाबा। अब दोनों घर चलिए बाबा। बेटा बेटा बेटा, भाई क्या हुआ? अरे बेटे को बहुत ही दुख हुआ है। हमारा ही बेटा है वो, हमारे बेटे की गलतियों को हमें ही माफ करना चाहिए ना। हाँ, पुंडलिक ने
कुक्कुट स्वामी के कहने अनुसार पंढरपुर में रहने का फैसला किया वो ठीक है, अरे लेकिन बहू को अकेला छोड़ आया है, ये उसने अच्छा नहीं किया। अजी, मैंने उससे बात की है, उसे लगता है हमारी इस अवस्था को वही जिम्मेदार है, इसलिए वो उस पर गुस्सा है। हमें समझाना होगा उसे। चलो सो जाओ, अब पुंडलिक आता ही होगा अभी। हाँ सो जाओ, आप भी सो जाइए। हाँ हे भगवान। मुझे प्रायश्चित भी मिला है। अब आपके पैर छोड़कर मैं और कहीं नहीं जाऊंगी। सासु मां, कुछ तो बोलिए। हाँ मैं भी इन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, तुम उनसे क्षमा मांगो। माता पिता के सिवा दूसरी कोई चीज पवित्र नहीं है। सासुमा, अजी बच्चा सो रहा है, मैं पानी लेके आती हूँ। कौन कौन है? पुंडलिक, पूरा विश्व जिसके दर्शन के लिए व्याकुल है वो मैं श्री कृष्ण। पुंडलिक, तुम्हारे मातृपितृ भक्ति से और तुमने जो उनकी सेवा की है उससे प्रसन्न होकर मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। देवा, आप मेरे घर आए ये मेरा परम भाग्य, क्षमा कीजिए,
मैं मेरी मातृ सेवा पूरी किए बिना नहीं उठ सकता, लेकिन क्षण भर रुकिए। इस गरीब के घर आपको देने जैसा कोई आसन नहीं। इस ईंट पर आप आसन समझकर खड़े रहिए। मेरे माता पिता की सेवा पूरी किए बिना मैं आपका दर्शन नहीं करूंगा। पुंडलिक, तुम पिछले जन्म के राजा मुचकुंद। मैंने तुम्हें इस जन्म में मिलने का वचन दिया था। कुक्कुट स्वामी के बाद माता पिता की सेवा करने वाले तुम थोर तपस्वी बनने वाले हो। किसी भी और साधना से ये सेवा थोर और पवित्र है। जो माता पिता का आदर करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उन पर मेरा वरद हस्त रहेगा। जो भी वरदान चाहिए मांग लो। देवा, ये पंढरपुर तीर्थ क्षेत्र चंद्रभागा से पावन हुआ है। यहां जल शुद्धि मिलती है। यहां बसा ये स्थान पावन क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध हो। देवा, इस भक्त की आपसे एक विनती है। वी यानी ज्ञान, ठो यानी आकार, यही रूप मुझे दिखा। ऐसे ही ज्ञान रूपी विठोबा का अवतार आप लीजिए और कई युगों तक आपका यही रूप भक्तों को दिखे। तुम्हारा साहुला रूप सबको दिखाई दे। तथास्तु। पुंडलिक, जो माता पिता को ईश्वर समझ के उनकी सेवा करेंगे, वो सेवा मेरे चरणों में अर्पित हो जाएगी। वो समय पर विजय प्राप्त करेंगे। जो मेरा दर्शन लेंगे, उनके भक्ति ज्ञान में वृद्धि होगी। तुम्हारे इच्छा अनुसार मैं विठ्ठल रूप में जन्म ले रहा हूं, पर मेरे दर्शन से पहले लोग तुम्हारा दर्शन लेंगे। मेरे नाम से पहले भक्त तुम्हारा नाम लेंगे, क्योंकि विठ्ठल को जन्म देने वाले तुम मेरे भक्त रूपी पिता ही हो। देवा, सत्वर
सेवा करता